खबर सगड़ी आजमगढ़ से, जहां नगर पंचायत जैनपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजेश चौहान ने आज अपना नामांकन किया और साथ ही अध्यक्ष पद पर जीत का दावा भी किया। आपको बता दें, सोमवार को सगड़ी तहसील पर राजेश चौहान ने हजारों समर्थकों के साथ जोश खरोश के साथ नामांकन किया। नगर पंचायत जैनपुर से अध्यक्ष पद पर जीत का परचम लहराने का राजेश चौहान ने दावा किया। इस दौरान काफी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। वहीं राजेश चौहान ने कहा कि जनता अगर हमें मौका देती है तो नगर पंचायत जैनपुर का चौतरफा विकास करूंगा। भैया, आपका पर्चा। मेरा नाम राजेश चौहान है। आज आपने नामांकन किया, क्या कुछ चाहिए जनता से? मैं जनता से यही कहूंगा कि नगर पंचायत जीरपुर की सम्मानित जनता से ये कहूंगा कि आप एक अच्छे प्रत्याशी को वोट करें और अपने नगर के विकास के लिए अच्छे प्रत्याशी का चयन करें। अब तक जो भी नगर पंचायत 35 सालों से जो भी काम हुआ है, सारे काम अधूरे पड़े हैं और एक बार आप आम आदमी के पार्टी झाड़ू पर निशान लगाए और अच्छे व्यक्ति का चयन करिए और जीएनपुर का विकास करिए। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या क्या तस्वीर रहेगी? मुझे मौका मिलता है सर तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे धोबी घाट नहीं बना, बहुत से नाली पटिया नहीं हुए, बहुत ही मोहल्ले में रास्ते जर्जर हैं और सब्जी मंडी का अभी काम नहीं अधूरा है और चौक पे टैक्सी स्टैंड है और बहुत सारे समाज की समस्या है, ये सारे मुद्दे मैं हल करूंगा। अच्छा, क्योंकि अब देख रहे हैं कि आपके सामने कई प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं और अपना अपना सब ताकत झोंक रहे हैं, ऐसे में आप मतलब कितना मतलब? देखिए, मुझे नगर पंचायत जीएनपी की सम्मानित जनता पर पूरा भरोसा है और मैं उन्हीं के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे सम्मानित जनता ने कहा है कि आप जैसे व्यक्ति की जरूरत है, इसलिए मैं चुनाव मैदान में आया हूं।